रायगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को 9 साल होने को आए हैं, लेकिन अब तक कॉलेज में डॉक्टरों के रिक्त पदों पर भर्तियां ही नहीं हो पाई है। जानकर हैरत होगी कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के 70 पद रिक्त हैं। भर्तियों के लिए प्रदेश स्तर पर 3 बार वैकेंसी भी निकाली जा चुकी है, लेकिन सिर्फ 17 पदों पर ही भर्तियां अभी तक हो पाई हैं। रायगढ़ जिले में साल 2013 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। कॉलेज के लिए सेटअप के मुताबिक 193 डॉक्टरों की नियुक्ति होनी थी, जिसमें सिर्फ 123 डॉक्टरों की नियुक्ति ही हो पाई है। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज का संचालन संविदा डॉक्टरों के भरोसे है। इधर आधी अधूरी व्यवस्था को लेकर भाजपा राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। इधर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक का कहना है कि नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद तकरीबन 500 पर्चियां हर दिन कट रही हैं, हर दिन 50 नए मरीज भर्ती भी हो रहे हैं। ऐसे में हॉस्पिटल संचालन में दिक्कतें आ रही हैं। आज की स्थिति देखेंगे तो वहाँ पे सुविधा का पूरी तरह से अभाव है, चाहे वो संयंत्रों के मामले में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो। और बात करें डॉक्टर की, तो वहाँ पे 70 पद रिक्त हैं, केवल 18 पदों में ही भर्ती की गई। बहुत बड़ा इस सरकार का निकम्मापन है कि स्वास्थ्य विभाग जैसे जगह में जहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए, लोगों को सबसे बड़ी सुविधा जो स्वास्थ्य की सुविधा होती है उस सुविधा से दूर रखने का काम सरकार कर रही है। पहले मुश्किल से 2 या 3 मरीज भर्ती होते थे, आज पर डे के करीब 50 के करीब भर्ती हो रहे हैं। तो मेरे पास मतलब डॉक्टर सभी बचे नहीं है कि हम उसको कर सकें। कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 70 पद रिक्त पड़े हैं, तो वहीं मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी वर्ग 3 और 4 में भी 296 पद रिक्त पड़े हुए हैं।